तो आज की इस वाली वीडियो में मैं फिर कुछ लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से। तो क्या आप ट्रॉली बॉय के काम में आना चाहते हैं समुद्र के अंदर? तो ये अपडेट सिर्फ आपके लिए है। जरूरत है अभी लुलु हाइपरमार्केट के लिए 100 ट्रॉली बॉय की। ट्रॉली बॉय के काम में जो है आपको 10 घंटे की ड्यूटी करके देनी पड़ेगी। हाँ, 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद अगर आप चाहते हैं ओवर टाइम करने को, आप ओवर टाइम भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ट्रॉली बॉय की एज लिमिट चाहिए 21 से लेकर 30 तक की। ओपन रिलीजन है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। आपको एकोमोडेशन मिलेगा लुलु हाइपरमार्केट की तरफ से। ECR एंड ECNR पासपोर्ट चल जाएंगे। अब यहाँ पर लुलु हाइपरमार्केट में, लुलु मॉल में अगर ट्रॉली बॉय के सेले पैकेज की बात करें तो ट्रॉली बॉय का सेले पैकेज यहाँ पर मिलेगा 1000 सऊदीरियाल। अब 1000 सऊदीरियाल सेले पैकेज में खाना अपनी तरफ से रहेगा। अब बहुत सारे भाइयों को यहीं पे कंफ्यूजन होगा कि भाई खाना अपनी तरफ से खाएंगे 1000 रियाल में तो क्या बचेगा। तो देखो, सबसे पहली बात मैं बता दूं, मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आप इसमें आइए। मेरा काम है कंटेंट क्रिएट करना। मेरे पास अपडेट आई, मैंने बता दिया, आपकी मर्जी है आप आए या नहीं आए। मैं वैसे भी किसी भी अपडेट पर जबरदस्ती नहीं करता, बट मैं क्लिक वेट भी नहीं करता कि हाँ 1000 सऊदी रियाल सेले पैकेज है तो वीडियो के चक्कर में 1500-1400 बताऊं, नहीं। और रही बात सेले पैकेज की, तो सेले पैकेज इस काम में इतना ही होता है। अगर आपको यकीन नहीं आया तो मेरे पेज पर YouTube चैनल पर शॉर्ट से देख सकते हैं, ट्रॉली बॉय वाले भाई के साथ मेरी एक वीडियो है, आप उनसे मालूम कर लें। वो 900 सऊदी रियाल सेले पैकेज पर काम कर रहे हैं हाइपर पांडा में। बहरहाल इस अपडेट में इतना ही सेले पैकेज था। अगर आप में से कोई भी भाई इस वीडियो के किसी भी अपडेट पर इंटरेस्टेड है और कॉन्टेक्ट करना चाहता है वीजा वाले भाई से, तो ट्रेवलिंग यासीन यूट्यूब चैनल है जहाँ की आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने नंबर के साथ मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, अदरवाइज आप अपना मोबाइल। नेक्स्ट अपडेट है अभी कुवैत के लिए। अब जो भाई कुवैत में हाउस ड्राइविंग के काम में जाना चाहते हैं, ये अपडेट उनके लिए है। हाउस ड्राइवर को कुवैत में सेले पैकेज मिलेगा 100 कुवैती दिनार, और 100 कुवैती दिनार सेले पैकेज के साथ साथ इसमें खाना भी आपको फ्री मिलेगा, जिसमें कि ओपन ड्यूटी रहेगी क्योंकि फैमिली ड्राइविंग में ड्यूटी का कोई भी टाइम टेबल नहीं होता। एज लिमिट 21 से लेकर 38 तक की चाहिए। इंडिया का लाइसेंस होना जरूरी है। दोनों तरह के इसमें आपके पासपोर्ट चलेंगे, जैसे ECR एंड ECNR। रूम मिलेगा घर की तरफ से। तो अगर आप में से भी कोई भी भाई कुवैत के अंदर जाना चाहता है ड्राइविंग के काम में तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे भाइयों के पास नंबर है वीजा वाले भाई का, आप उनसे भी कांटेक्ट कर लें इस अपडेट के लिए। जिन भाइयों के पास नंबर नहीं है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कैसे करना है अभी लास्ट वाली अपडेट में मैं बताया हूं, आप उस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या आप चपाती मेकर हैं और आना चाहते हैं सऊदी अरब के अंदर, वो भी चपाती बनाने के काम में? तो इस अपडेट पर जो है 4 कैंडिडेट चाहिए जिनको चपाती बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी आर सऊदी अरब के लिए, ये डिमांड है। एज लिमिट 21 से लेकर 35 तक की चाहिए। ECR पासपोर्ट होल्डर और ECNR पासपोर्ट होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रूम भी मिलेगा स्पॉन्सर की तरफ से। और सेले पैकेज की बात करें तो यहाँ पे सेले पैकेज मिलेगा 1300 सऊदी रियाल प्लस खाना पीना रहना। अब जो भाई कहते हैं आजकल की महंगाई में 800 से 900 रियाल का खाने का खर्च होता है, तो यहाँ पे 1300 प्लस 800-900 जोड़ लो, कितने हो गए भाई, ऑलमोस्ट 2100-2200 सऊदी रियाल सेले पैकेज हो गया। तो अगर आप में से भी कोई भाई है इंटरेस्टेड आने के लिए सऊदी अरब के अंदर चपाती मेकिंग के काम में तो आ सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने का सिंपल सा तरीका है जो कि मैं स्टार्टिंग में बताऊं इस अपडेट के, आप उस तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वीजा वाले भाई से। अब ये अपडेट उन भाइयों के लिए है जो सऊदी अरब में पेट्रोल पंप पर काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो अगर आप में से कोई भी भाई पेट्रोल पंप पर काम करने के लिए आना चाहता है सऊदी अरब के अंदर, 50 लड़कों की जरूरत है इसी पेट्रोल पंप पर काम करने के लिए। इसमें आपको टोटल 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। दोनों तरह के आपके पासपोर्ट चलेंगे, जैसे ECR एंड ECNR। रूम मिलेगा इसमें आपको पेट्रोल पंप की तरफ से, खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से। लेकिन पेट्रोल पंप पे जो भाई काम करते हैं, खाना पीना ऐसा समझो 70% उनको बाहर से मिलता रहता है। बहरहाल इसमें सेले पैकेज मिलेगा 1250 सऊदी रियाल, और इतना ही सेले पैकेज होता है पेट्रोल पंप पर काम करने वाले भाइयों का। फ्रेश की बात कर रहा हूँ मैं। अब किसी भी भाई को यकीन नहीं हो रहा हो तो आप सभी के रिलेटिव कहीं ना कहीं गल्फ कंट्री में रह रहे होंगे, आप उनसे मालूम कर सकते हैं। और जो भाई सऊदी में रह रहे हैं उनको अच्छे से मालूम होगा, नहीं मालूम है तो किसी दिन जाइए पेट्रोल पंप पर, वहाँ पर बातचीत कीजिए, सेले पैकेज के बारे में मालूम कीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि पेट्रोल पंप पर काम करने वालों का कितना सेले पैकेज होता है। खैर इसमें एज लिमिट होनी चाहिए 21 से लेकर 30 तक की। तो अगर आप में से भी कोई भी भाई आना चाहता है पेट्रोल पंप काम करने के लिए तो कॉन्टेक्ट कर लें, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट अपडेट उन भाइयों के लिए है जो ड्राइविंग करने के लिए पहली बार आना चाहते हैं सऊदी अरब के अंदर। तो जरूरत है सऊदी अरब के लिए फैमिली ड्राइवर की। फैमिली ड्राइवर जो है फ्रेश कैंडिडेट चाहिए 3।
जिसमें कि आपको ओपन ड्यूटी करनी पड़ेगी क्योंकि ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं होता। फैमिली ड्राइविंग में रूम मिलता है घर की तरफ से, खाना रहता है उसमें अपनी तरफ से। एज लिमिट फ्रेश कैंडिडेट की चाहिए 21 से लेकर 38 तक की। इंडिया का लाइसेंस होना जरूरी है। अब फ्रेश ड्राइविंग में अभी यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर बात करें तो अभी सेले पैकेज सिर्फ लग रहा 1400 सऊदी रियाल। अब 1400 सऊदी रियाल सेले पैकेज में खाना आपका ही रहेगा। अब किसी भी भाई को 1400 सऊदी रियाल सेले पैकेज कम लग रहा है फ्रेश ड्राइविंग में, तो भाई मैं आपसे कह नहीं रहा कि आप आइए इस पे। बहरहाल 1400 सऊदी रियाल सेले पैकेज का 31 से 32 हजार हो रहा है और ड्राइविंग के काम में आप इंडिया में 2 से 3 महीने में कमाओगे। आप यकीन नहीं है तो ट्राई करके देख लीजिए, और वो भी इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है आपको। खैर मेरे पास ये अपडेट थी, मैंने बता दिया। कोई आए या नहीं आए मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करता, मैं कोई एजेंट नहीं। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देने का, कॉन्टेंट क्रिएट करने का, गाइड करने का, रास्ता बताने का। मैं एक मदद कर रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, बस खलास। नेक्स्ट अपडेट बताने वाला हूँ ये उन भाइयों के लिए जो मजरे में काम करने के लिए आना चाहते हैं। इसमें आपको खाना पीना रहना सब मिलेगा स्पॉन्सर की तरफ से, मतलब कि मजरे की तरफ से मिलेगा। ड्यूटी करनी पड़ेगी आपको 10 घंटे की। जरूरत है अभी रियाज सऊदी अरबिया के लिए मजरे में लेबर की। लेबर जो है ये मजरे में काम करेगी, खेती किसानी का, खाना पीना रहना सब मिलेगा मजरे की तरफ से। अब बहुत सारे भाई जो कहते हैं 800 से 900 रियाल का खाने का खर्च होता, तो इसमें 800 से 900 रियाल प्लस 1000 सऊदी रियाल, मतलब कि 1800 से लेकर 1900 रियाल सेले पैकेज तक मिल रहा है मजरे में काम करने का। आ सकते हैं, और ये तरीका उन्हीं के हिसाब से जो भाई ऐसा कहते हैं। अब मजरे में काम करने वाले कैंडिडेट को जो है खेती किसानी का काम आना चाहिए, लेकिन इस अपडेट पे सिर्फ नॉन मुस्लिम ही कैंडिडेट चाहिए। तो अगर आप में से कोई भी हिंदू भाई है और वो जाना चाहता है मजरे में काम करने के लिए खेती किसानी का, तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस मजरे में जो है सिर्फ सब्जी है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब ये अपडेट उन भाइयों के लिए है जो हेल्पर के काम में आना चाहते हैं। तो रियाज सऊदी अरब के अंदर एक कंपनी को चाहिए फर्नीचर कारपेंटर हेल्पर। अब हेल्पर जो है ये फर्नीचर कारपेंटर के साथ काम करेंगे। 10 घंटे की आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, दोनों तरह के इसमें पासपोर्ट चलेंगे आपके, ईसीआर एंड ईसीएनआर। रूम मिलेगा कंपनी की तरफ से, खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से। अब आप उसमें कम का खाओ या फिर ज्यादा का खाओ वो आप ही के ऊपर डिपेंड है। 5 कैंडिडेट चाहिए ऐसे फर्नीचर कारपेंटर हेल्पर जो की फर्नीचर कारपेंटर के साथ काम करेंगे। सेले पैकेज की बात करें तो ये हेल्पर को सेले पैकेज देगी कंपनी 1200 सऊदी रियाल। अब 1200 सऊदी रियाल सेले पैकेज में खाना आपकी तरफ से हो गया। हाँ, लेकिन 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद अगर आप ओवर टाइम करना चाहते हैं तो आप ओवर टाइम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसी कंपनी में जरूरत है फर्नीचर कारपेंटर की। फर्नीचर कारपेंटर का जो है इंडिया का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इनको भी 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी इस कंपनी में। 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद ओवर टाइम कर सकते हैं अगर कैंडिडेट की च्वाइस है तब। रूम भी मिलेगा कंपनी की तरफ से, खाना है उसमें अपनी तरफ से। सेले पैकेज फर्नीचर कारपेंटर को या तो मिलेगा 1500 सऊदी रियाल या फिर मिलेगा 1600। अब 1500 मिले या फिर 1600 वो आपके काम के तजुर्बे के हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा कि आपका कितना तजुर्बा है काम करने का। तो अगर आप में से कोई भी भाई है इंटरेस्टेड फर्नीचर कारपेंटर के काम में आने के लिए रियाद के अंदर एक कंपनी में, तो कॉन्टेक्ट कर लें। कॉन्टेक्ट करने का सिंपल सा तरीका मैं फिर बता रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल नंबर के डिजिट इसी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं यूट्यूब पर। अगर ये वीडियो एक दो दिन के बाद फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसकी कोई भी अपडेट मान्य नहीं रहेगी, क्योंकि मान्य होगी तो मैं खुद रील लगाएगा। अब नेक्स्ट अपडेट उन भाइयों के लिए है जो रियाज सऊदी अरब के अंदर फैमिली ड्राइविंग में आना चाहते हैं ड्राइविंग करने के लिए। 1800 सेले पैकेज देगी फैमिली, ओपन ड्यूटी रहेगी क्योंकि फैमिली ड्राइविंग का ड्यूटी का कोई भी टाइम टेबल नहीं होता है। रूम मिलता है घर की तरफ से, वो आपको मिलेगा। खाना जो है उसमें अपनी तरफ से रहेगा क्योंकि खाना अपना ही होता है। आपके दोनों तरह के पासपोर्ट चलेंगे जैसे ईसीआर एंड ईसीएनआर। एज लिमिट इसमें आपकी चाहिए 21 से लेकर 40 तक की। हिंदू मुस्लिम दोनों भाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी भाई रियाद के अंदर 1800 सऊदी रियाल सेले पैकेज पर आना चाहता है तो कॉन्टेक्ट कर लें। लेकिन इस अपडेट के लिए कॉन्टेक्ट वो ही कैंडिडेट करें जो सऊदी अरब से रिटर्न है विद लाइसेंस के साथ। अब उनके पास सऊदी का लाइसेंस वैलिड है या फिर एक्सपायर है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आप में से कोई भी भाई ऑटो इलेक्ट्रीशियन है और रियाद के अंदर वो एक वर्कशॉप में काम करने के लिए आना चाहते हैं तो ये अपडेट सिर्फ आपके लिए है। जरूरत है अभी ऑटो इलेक्ट्रीशियन की। 5 कैंडिडेट चाहिए वर्कशॉप के लिए। दोनों तरह के इसमें कैंडिडेट के पासपोर्ट चलेंगे जैसे ईसीआर एंड ईसीएनआर। रूम मिलेगा इसमें वर्कशॉप की तरफ से, खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से। अब आप उसमें कम का खाएं ज्यादा खाएं उसमें आपकी प्रॉब्लम है। दोनों तरह के पासपोर्ट के साथ साथ एज लिमिट 21 से लेकर 35 तक की चाहिए। खाना उसमें अपनी तरफ से रहेगा और सेले पैकेज फ्रेश कैंडिडेट को मिलेगा 1700 सऊदी रियाल, और जो भाई रिटर्न है उनको सेले पैकेज मिलेगा
पड़ेगा 2000 सऊदी रियाल या फिर उससे थोड़ा ज्यादा। तो अगर आप में से भी कोई भाई इंटरेस्टेड है ऑटो इलेक्ट्रिशियन के काम में आने के लिए रियासत उद्रव के अंदर, तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप अपने मोबाइल नंबर की डिजिट मेरे को इसी वीडियो में दे सकते हैं यूट्यूब पर। अब ये अपडेट उन भाइयों के लिए है जो लेबर के काम में आना चाहते हैं सऊदी अरब के अंदर। इसमें आपको वायर हाउस में काम करना पड़ेगा, कैटरिंग कंपनी में काम करना पड़ेगा, फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा और इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा। कंपनी आपको कहीं पे भी रख सकती है जहां जरूरत होगी उसको। आपको टोटल 12 घंटे की ड्यूटी करके देनी पड़ेगी। रूम मिलेगा इसमें कंपनी की तरफ से, खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से। एज लिमिट सिर्फ चाहिए 21 से लेकर 35 तक की। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा इसमें। खाना उसमें आपको अपनी तरफ से खाना पड़ेगा, रूम आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। और सेले पैकेज इसमें हेल्पर को देगी कंपनी 1300 सऊदी रियाल। अब 1300 में जो है खाना आपकी तरफ से हो गया, तो आप 1300 रियाल का खाएं, ज्यादा का खाएं या फिर कम का खाएं या बिल्कुल नहीं खाएं, वो आपका मैटर है, मेरा नहीं। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देने का। मेरे पास जो रियल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके पास शेयर कर दी वीडियो के माध्यम से। कोई आए नहीं आए उसमें आपका मैटर है, मेरा नहीं। तो अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जिन भाइयों के पास ऑलरेडी नंबर है वीजा वाले भाई का, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लें, और जिन भाइयों के पास नंबर नहीं है तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका कॉन्टेक्ट करने का। अब नेक्स्ट अपडेट उन भाइयों के लिए है जो लुलु मॉल में हेल्पर के काम में आना चाहते हैं और बायर हाउस हेल्पर के काम में आना चाहते हैं। लुलु मॉल और लुलु हाइपरमार्केट में जरूरत है अभी इन सारे कैंडिडेट की जो कि मैंने अभी बताया है, जो कि काम करेंगे लुलु हाइपरमार्केट के अंदर और बायर हाउस के अंदर। लुलु हाइपरमार्केट और लुलु हाइपर मॉल में आपको 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद आप ओवर टाइम कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। दोनों तरह के आपके पासपोर्ट चलेंगे इसमें, ECR एंड SNR। रूम मिलेगा लुलु हाइपरमार्केट की तरफ से, लुलु हाइपर मॉल की तरफ से। एज लिमिट 21 से लेकर 30 तक की चाहिए कैंडिडेट की। दोनों तरह के इसमें पासपोर्ट चलेंगे आपके, ECR एंड SNR। और खाना जो है उसमें अपनी तरफ से रहेगा, तो आप उसमें कम का खाएं या फिर ज्यादा खाएं वो आपकी प्रॉब्लम है। और सेले पैकेज लुलु हाइपर मार्केट और लुलु मॉल में आपको मिलेगा 1000 सऊदी रियाल। 1000 सऊदी रियाल सेले पैकेज में अब खाना आपको अपनी तरफ से खाना पड़ेगा। अब जिन भी भाइयों को कम सेले पैकेज लग रहा था, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आप इसमें आइए। मेरे पास जो अपडेट थी वो मैंने आपके पास शेयर कर दी वीडियो के माध्यम से। कोई आए या नहीं आए वो मेरा मैटर नहीं है, अपना काम है कॉन्टेंट क्रिएट करने का। फिर भी अगर कोई भी भाई आना चाहता तो आ सकता, नो प्रॉब्लम, मैं पूरी हेल्प करेगा आने के लिए। प्लास्टिक फैक्ट्री कंपनी है सऊदी अरब के अंदर, और उसी प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए चाहिए फैक्ट्री हेल्पर। 10 घंटे की ड्यूटी करके देनी पड़ेगी, और इस प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए पूरे 50 कैंडिडेट चाहिए। इसमें आपको रूम मिलेगा कंपनी की तरफ से, खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से। एज लिमिट सिर्फ 21 से लेकर 35 तक की ही चाहिए लेबर वाले कैंडिडेट की। दोनों तरह के पासपोर्ट चल जाएंगे इसमें, जैसा आपका ECR एंड ECNR। हिंदू मुस्लिम दोनों भाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेले पैकेज फैक्ट्री हेल्पर में लेबर वाले कैंडिडेट को मिलेगा 1300 सऊदी रियाल। 1300 सऊदी रियाल सेले पैकेज में खाना अपनी तरफ से हो गया। आप कम का खाएं या फिर ज्यादा खाएं वो आप ही के ऊपर डिपेंड है। अगर आप रियाज सऊदी अरबिया के अंदर आना चाहते हैं तो ये डिमांड सिर्फ आपके लिए है। जरूरत है रियाज सऊदी अरबिया में एक कंपनी के लिए जेंट्स स्टिचिंग टेलर की। जेंट्स स्टिचिंग टेलर वाला जो है फ्रेश कैंडिडेट चाहिए, लेकिन उसका इंडिया का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 10 घंटे की ड्यूटी करेगा वो कैंडिडेट, ऑन द स्पॉट मूवा लगेगा, मतलब कि जिस दिन आपका मेडिकल फिट हो गया खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से। लेकिन इस वाली अपडेट में जेंट्स टेलर का सेले पैकेज लगेगा 1400 सऊदी रियाल। अब 1400 सऊदी रियाल सेले पैकेज में खाना आपकी तरफ से हो गया। ओवर टाइम कर सकते हैं आप, तो ओवर टाइम से आप कितना कमाएं कितना नहीं या फिर उस शोरूम पर ओवर टाइम का काम है या नहीं है वो तो भाई आने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल जो मेरे पास अपडेट थी वो मैंने बता दी। तो अगर आप में से कोई भी भाई जेंट्स टेलर है और वो आना चाहता है रियाद के अंदर तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे भाइयों के पास ऑलरेडी नंबर है वीजा वाले भाई का, आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर लें। जिन भाइयों के पास नंबर नहीं है तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका कॉन्टेक्ट करा दूंगा वीजा वाले भाई से। अब मेरे से कॉन्टेक्ट कैसे करना वो तो मैं स्टार्टिंग में बताऊं और बहुत सारी अपडेट में भी बता दिया, और मैं फिर बता दे रहा हूं आपको। अगर आप इस वीडियो में किसी भी अपडेट्स पर इंटरेस्टेड हैं और आना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर के डिजिट इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को दे सकते हैं। बस ये सिंपल सा तरीका कॉन्टेक्ट करने का। नेक्स्ट अपडेट है अभी कार वॉशर की, मतलब कि रियाज सऊदी अरबिया के लिए चाहिए कार वॉशर, मतलब कि वो कैंडिडेट जो गाड़ियां धोते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही कैंडिडेट चाहिए वर्कशॉप के लिए। 10 से 12 घंटे की इसमें ड्यूटी करनी पड़ेगी आपको। रूम मिलेगा कंपनी की तरफ से, खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से, किचन की फैसिलिटी आपको दी जाएगी बस। तो अगर आप में से कोई भी भाई कार वॉशर है, फर्स्ट टाइम आना चाहता है रियाद के अंदर, तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने का सिंपल सा तरीका, सबसे पहली बात तो बहुत सारे भाइयों के पास वीजा वाले भाई का नंबर है, आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जिन भाइयों के
पास नंबर नहीं है तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मुझसे कैसे कॉन्टेक्ट करना वो तो मैं अभी कुछ टाइम पहले ही लास्ट वाली अपडेट में बताया हूँ, आप उस तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है अभी एक फ्रेश हाउस ड्राइवर की। फ्रेश हाउस ड्राइवर चाहिए अभी रियाद सऊदी अरबिया के लिए। दोनों तरह के इसमें पासपोर्ट चलेंगे आपके, ECR एंड ECNR। रूम मिलेगा इसमें, घर की तरफ से खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से। अब आप उसमें कम का खाएं या फिर ज्यादा का खाएं वो आप ही के ऊपर डिपेंड है। दोनों तरह के पासपोर्ट के साथ साथ एज लिमिट इस वाली अपडेट में इस फैमिली को 35 से लेकर 40 तक की ही चाहिए कैंडिडेट की। इंडिया का लाइसेंस होना जरूरी है। ओपन ड्यूटी रहेगी, ड्यूटी का कोई भी टाइम टेबल नहीं होता फैमिली ड्राइविंग में। सेले पैकेज ये फैमिली फ्रेश ड्राइवर को देगी 1400 सऊदी रियाल। अब 1400 सऊदी रियाल सेले पैकेज में खाना अपनी तरफ से, आप कम का खाएं या फिर ज्यादा खाएं वो आप ही के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट और फाइनल मैं अपडेट देने वाला हूँ अभी नेस्टल कंपनी के लिए। स्पॉन्सर रहेगी ये वीजा। इसमें चाहिए लोडिंग और अनलोडिंग वाले कैंडिडेट। डायरेक्ट मुफा दिया जाएगा जिस दिन आपका मेडिकल फिट होगा ऑन द स्पॉट। ड्यूटी करनी पड़ेगी कंपनी में 9 घंटे की। रूम मिलेगा कंपनी की तरफ से, खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से। अब आप उसमें कम का खाएं या फिर ज्यादा खाएं वो आप ही के ऊपर डिपेंड है। एज लिमिट 25 से लेकर 37 तक की चाहिए कैंडिडेट की, और इसमें जो है फ्रेश कैंडिडेट चाहिए। हाँ, 9 घंटा ड्यूटी करने के बाद आप ओवर टाइम कर सकते हैं। सेले पैकेज ये कंपनी आपको देगी 1250 सऊदी रियाल। 1250 सऊदी रियाल सेले पैकेज में खाना अपनी तरफ से हो गया। अब आप उसमें कम का खाएं या फिर ज्यादा खाएं वो आप ही के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आप में से कोई भी भाई है नेस्टल कंपनी में आने के लिए लोडिंग और अनलोडिंग के काम में तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने का सिंपल सा तरीका है, मैं लास्ट में वीडियो को एंड करते करते बताता जा रहा हूँ आपको, कि आप अपने मोबाइल नंबर के डिजिट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं अगर आप ये वीडियो जो है यूट्यूब पर देख रहे हैं तो। और अगर आप इस वीडियो के किसी भी अपडेट पर इंटरेस्टेड हैं तब, किसी भी कंडीशन की वजह से ये वीडियो जो है फेसबुक पर 1-2 दिन के बाद आए तो इसकी कोई भी अपडेट वैलिड नहीं रहेगी, मतलब मान्य नहीं रहेगी। तो इसलिए फेसबुक पर जाके जो है कमेंट सेक्शन में आप अपना मोबाइल नंबर ना दें। बाकी इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।